हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये संडे मॉर्निंग का क्लिप है और एक दिन वीडियो लेट आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कल मैंने छुट्टी लिया था और कल मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लेके सुबह से मैं रेस्ट कर रही थी, इसलिए वीडियो आप लोगों के पास पहुंची नहीं कल, ये इसलिए आज पहुँच रही है वीडियो। Good morning everyone, welcome back to our channel and hope you all are doing well। and मैं सुबह बल्टी लेके नीचे बकेट लेके, actually मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है सुबह, ये सुबह का काम होते हैं वॉशिंग मशीन लगाना। आज संडे है, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू गाइज। बट हम हाउस वाइफ्स का आज संडे ना बहुत अच्छा कुछ प्लान करूंगी मैं सोची हूँ आज संडे कुछ प्लान करते हैं अच्छा कुछ। हम हाउस वाइफ्स जैसे प्लान नहीं करने वाले, लेकिन ना आज झमाझम बारिश हो रही है, मौसम इतना अच्छा है मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को। रुकिए पहले मैं यहाँ पे मशीन लगा लूं। अच्छा, बहुत कोई ना मुझे क्वेश्चन किया था, अच्छा फैन ऑफ कर दो, आवाजें हो रही है शायद। तो बहुत कोई ना मुझे क्वेश्चन किया था, मशीन का ये यहाँ क्यों रखते हो, ये मशीन के लिए बनाया गया था एक्चुअली, और आज का बना हुआ नहीं है। मेरा घर देखे तो आपको पता है ये कितना साल पुराना घर है, लेकिन ये मशीन के लिए तब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन था हम लोगों के पास, और मेरे शादी के पहले से एक्चुअली सैमसंग का जो न्यूली ऑटोमेटिक मशीन निकला था ना वो खरीदा गया था और उसके लिए ये बनाया गया था तब से। और ये तो मैंने नया रिप्लेस किया वो मशीन को हटा के, क्योंकि वो बार बार खराब हो रहे थे, तो इसीलिए। चलो पहले मैं मशीन लगा लूं और उसके बाद मैं आप लोगों से। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए बीच में, मतलब सैटरडे को कपड़ा छोड़ा था, मैं धोई नहीं थी, सम ड्यू टू सम रीज़न मुझे निकलना भी था, थोड़ा सा काम भी था मुझे, तो बस मैं ना कपड़ा नहीं लगा पाई थी, तो इसलिए इतना सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया। संडे को मुझे ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि कल मैं का स्कूल है, इसमें उसका स्कूल ड्रेसेस भी है, ये सारे नहीं धोऊँगी तो फिर कल दिक्कत हो जाएगी और एक लॉट कपड़ा ऊपर से जुगड़ जाएगा। तो सुबह उठ के ना सबसे पहले काम हो गया कपड़ा लगाना, क्योंकि ये काम एक बार लिपट जाए तो ये सबसे मतलब हैक्टिक वाला काम होता है, ये लिपट गया निश्चिंत। और कपड़ा मशीन में लगाने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में, चाय वाय तो हम लोगों का हो चुका था सुबह में ही, तो मैं बहुत अच्छा कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, तो बहुत अच्छा तो नहीं, जो फटाफट वाली ब्रेकफास्ट होती है ना तो वो मैं बनाऊंगी। आलू टमाटर का सब्ज़ी बना रही हूँ नॉर्मल वाली कुकर में जो बन जाती है फटाफट से, क्योंकि इसके बाद मुझे निकलना भी है, थोड़ी सी ग्रॉसरी भी ख़त्म होने को आया है तो वो भी लेना है मुझे। एक्चुअली मैं महीना का शुरू में जो होता है ना कि ग्रॉसरी ले लो ये कर लो, तो वो मेरा होता नहीं है क्योंकि आधातर ज़्यादा चीज़ मैं ऑनलाइन मंगा ही लेती हूँ, मोटा मोटा कोई सामान बाकी रह जाता है वो सारे मुझे ग्रॉसरी से लेना पड़ता है एक्चुअली। तो आज वही डेट है, मतलब शेखर जी को भी टाइम निकल गया, आज संडे है, वो भी निकले नहीं जिम के लिए, तो बोले कि चलो अगर हाथ में टाइम होगा तो ले लेते हैं सामान, और मेरा तो हाथ में टाइम होता नहीं है जी, क्योंकि एवरीडे बेसिस में मेरा क्या काम होता है वो तो आप लोगों को पता ही रहता है कि मेरा क्या क्या काम रहता है, तो इसलिए ना मेरे हाथ में एवरीडे बेसिस में कभी का मतलब टाइम मैं निकालूं वो निकलता नहीं है। तो मैंने आज सोचा कि नहीं चलो आज तो ये पेंडिंग काम मैं कर ही लेती हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट वाली जो सब्जी होती है आलू टमाटर वाली वही मैं बना रही हूँ। और इसका कोई रेसिपी मैं शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ एक्चुअली क्योंकि इसका रेसिपी बहुत ही बार मैं शेयर कर चुकी, एक दो बार शेयर कर चुकी हूँ और दोबारा क्या शेयर करना है, ऐसे ही ज़ीरा में टमाटर डाल के उसको बस टमाटो को थोड़ा सा ऐसे बना लेना है, चटनी जैसा सॉफ्ट कर लेना है, उसके बाद मसाले करना है रेगुलर वाली मसाले, और उसके बाद जो पोटैटो मैंने कट करके रखा था वो मैंने ऐड ऑन कर दिया। और बाय द वे मैं 5 लोगों का हिसाब से बना रही हूँ, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ये ऐड करने से ना एक्चुअली स्वाद में बहुत फ़र्क आ जाती है।
अब सारा सब चीज़ ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद मेन फाइनल चीज़ पानी ऐड करना है, और उसके साथ थोड़ी सी धनिया की पत्ती वो ऐड करना है, और बस ऐड करके इसको सीटी लगा लेना है कुकर में, 2 या 4 सीटी। मेरा 3 सीटी में हो गया था, तो बस ये डन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पराठे। एक्चुअली आज छुट्टी का दिन है ना, और मैं डिमांड कर रहा था सुबह से, उसका भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि उसका थोड़ी सी जुकाम है, तो इसलिए मैंने उसका डिमांड वाइज मम्मा पराठा बना दो, तो बोले कि चलो ठीक है। और सबका मन भी था, थोड़ा होता है ना कि रेगुलर बेसिस में आप रोटी या ओट्स ऐसा कुछ खाओ, तो संडे छुट्टी का दिन में ना सबको मन हो जाता है कि थोड़ा सा पराठा शराठा बन जाए घर में। हाँ, बाय द वे ये लो ऑयल से मैं बना रही हूँ, मतलब जितना कम ऑयल हो सकता है उसी से मैं बना रही हूँ। इससे ज़्यादा कम ऑयल तो मैं नहीं लगा सकती, मतलब बहुत ही कम ऑयल से इसको सेक रही हूँ मैं। तो चलिए, और घी से या बटर से भी आप सेक सकते हो, लेकिन मैं घी बटर थोड़ा हम लोग अवॉइड करते हैं, आपको तो पता ही है। तो ये मेरा पराठा गर्मा गर्म बन के रेडी हो चुका है, और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। सबको मैं ब्रेकफास्ट करा चुकी हूँ, और सब ब्रेकफास्ट कर भी चुके हैं, मैं ही बाकी रह गई थी। तो बस ये मेरा ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करूँगी, आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी और पराठा, यम। सब ब्रेकफास्ट बन के रेडी हुआ था संडे का दिन। जी, ब्रेकफास्ट तो हम लोगों का बन चुका है, और ब्रेकफास्ट सबको मैंने करा दिया। ब्रेकफास्ट मैं अभी ब्रेकफास्ट करूंगी, अभी अभी लिया है ब्रेकफास्ट, यम यम। और किचन डिजास्टर एवरी डे। एक्चुअली खाना बनाओ तो ऐसे होता है, पहले मैं बहुत जोर भूख लगा, पहले मैं लंच कर सॉरी ब्रेकफास्ट करके आती हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट, तो ये ब्रेकफास्ट मैं करके आती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फटाफट से मैं काम निपटाने लगी हूँ क्योंकि मुझे है निकलना। तो मैंने सोचा कि चलो डिश वॉशर खाली कर देती हूँ, क्योंकि ये जो बर्तन है ना, ये सुबह में लगाई थी, ये कल रात की बर्तन है सारी, और ये सारे मैं मतलब खाली करूँगी तभी। अभी जो आप किचन डिजास्टर देखे ना, वहाँ पे वही सारा किचन का बर्तन यहीं पे आएगा, यहीं पे हटेगा और सेकेंड लॉट डिश वॉशर चलेगा। अच्छा, बाय द वे कोई मुझे सवाल किया था कि दी आपका घर में कितना बार डिश वॉशर चलता है। 2 बार चलता है, और कभी कभी अगर मतलब संडे सब कोई घर में आ जाए तो 3 बार चल जाता है, क्योंकि इतना सारा बर्तन इकट्ठा हो जाता है ना कि 2 बार में कंप्लीट नहीं होता है, फिर हाथों से मुझे उसको समेटना पड़ता है। और हाथों से समेटना मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि इतना सारा काम करने के बाद फिर हाथों से बर्तन धोना, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं डिश वॉशर लोड कर दिया, और साथ ही साथ मेरा किचन भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग हो चुका है, और थोड़ी बहुत बाकी है वो मैं कर लूँगी। मतलब ऐसे पोछा लगाना जो होता है ना किचन में, वो थोड़ा सा बाकी है। बर्तन का काम लिपट गया मेरा, और बर्तन यहाँ पे धोते रहेगा, मैं अपना काम करती रहूँगी वहाँ पे, और उसके बाद जब लंच टाइम होगा तो लंच बनाऊँगी। फिलहाल सारा काम निपटा के मैं निकल रही हूँ ग्रॉसरी के लिए, जो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी। मैं इनको लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, और कब जोर बारिश आ जाए, बच्चा को थोड़ा सा सर्दी मतलब जुकाम भी लगा हुआ है, तो इसलिए उसको थोड़ा ले जाना हम लोग अवॉइड कर रहे। वो अपना नानी के पास है, दादा भी घर में है, तो नो इश्यूज। यहाँ पे शेखर जी मैं दोनों ही जा रहे हैं, बहुत सारा सामान लेना है इकट्ठे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी हम ही लोग करके, और उसको लेके जाना। मतलब अभी धूप देख रहे हैं ना आप, इतना तेज धूप, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, और एक्चुअली आते वक्त में भी बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गया था। मतलब आसमान कभी साफ हो रहा है, कभी बारिश हो जा रहा है, ऐसा सिचुएशन है अभी। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँचे ये स्मार्ट बाज़ार में, तो हम लोग का घर के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस वहीं पे पहुँचे थे। कुछ कुछ सामान लेना था, वो सारे सामान हम लोग लिए, और ये हम लोग खुद ही लग रहा था कि ये बाज़ार का थैला लेके आ गए। तो हम शेखर जी को बोले कि ये थैला मतलब अभी हम नहीं पकड़ेंगे, तो गुस्सा से मुझे देख रहे हैं कि अच्छा ये ले आने कौन बोला, ये लोग तो देता ही है पैकेट। एक्चुअली होता है ना कि जा रहे सामान लेने तो वो ही लेके आ जाए, और ये देखिए इतना सारा बिस्किट्स मिल रहा था, ये सारे ना ऑफर में था, तो यहाँ से एक दो मैंने ले लिया है, और जितना जितना सामान है
मैं आपको दिखाते चलूं। और यहाँ पे मतलब नीचे से ऊपर आना था मुझे, क्योंकि कुछ ना घर का जो सामान होता है ना, जो किचन रूम का जो वाइपर वगैरह होता है वो सारा मुझे देखना था, तो वो ऊपर वाला फ्लोर में है तो वही देखने के लिए मैं आ गई थी। और यहाँ पे अभी पहले जो आई थी मैं जितना स्टॉक देखी थी, तो यहाँ पे अभी ना काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बढ़ गई है। तो बस यहाँ से कुछ बिस्किट्स वगैरह मैं इनके लिए भी लेना है। वो ना एक्चुअली ये फ्रूट एंड नट वाला नहीं खाता है, तो मैंने सोचा था एक ले लूँ, फिर सोचा चलो क्या होगा, मैं तो नहीं खाती हूँ और वो फ्रूट एंड नट वाला एकदम नहीं खाता है, तो बस ये एक मैंने ले लिया है। अगर वो खाएगा स्कूल में तो खाएगा, नहीं खाएगा तो ना सही। तो बस यहाँ पे सारा शॉपिंग करके देखिए कितना सारा शॉपिंग मैंने यहाँ पे किया है। बड़ा ट्रॉली ले लिया मैंने, ना सोचा था कि थोड़ा मोड़ा ही बड़ा सामान है, वो थोड़ा मोड़ा सामान लेके मैं चली आऊँगी, उतना ज़्यादा कुछ लेना मुझे है नहीं। लेकिन यहाँ आके ना बाय गॉड मैं बोली हूँ, एक्स्ट्रा सामान इतना मैंने उठा लिया ना कि मैंने सोच लिया कि अभी मुझे नहीं आना है यहाँ पे। यहाँ पे आते भर में ना मेरा हाथ खुजवाने लगता है, कि खुजलाने लगता है कि मुझे ये लेना है वो लेना है। तो देखिए कितना सारा सामान हो गया था, और कुछ कुछ सामान ऑफर में भी थी, तो मैंने छोटा सा एक कढ़ाई वगैरह सब सामान जितना लगा मैंने ले लिया। मैं घर आ चुकी हूँ और सारे ग्रोसरीज लेके आई हूँ। झमाझम बारिश हो रही है बाहर और पूरा मैं भीग के आई हूँ और पूरा मतलब हालत खराब हो गया, क्योंकि रास्ते पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। और मैं आपको दिखाऊँ, पूरा मतलब तेज बारिश हो रही है बाहर, आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा यहाँ से, ये देखो आवाजें तो आ ही रही होंगी। चलो अभी 1 बजे के करीब हो रहा है और मैं तो हम लोगों के साथ आज गया नहीं था, क्योंकि उसका तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अभी भी सो के वो देख रहा है, टीवी देख रहा है, मैं मिलवा दे रही हूँ उससे। और अभी चलो फटाफट मैं लंच बना, लंच में क्या खाएगा, चिकन, चलो चिकन ही बना देती हूँ। बच्चा का तबीयत ठीक नहीं रहने से होता है ना, मम्मियों का मूड ऑफ रहता है। एक्चुअली मैं आज गई थी क्योंकि मुझे ग्रॉसरी लेनी थी, फिर मंडे टू फ्राइडे मेरे पास थोड़ी सी भी टाइम नहीं होगा, ये एक सिर्फ संडे ही होती है तो थोड़ी बहुत टाइम मिल जाती है, शेखर जी भी अवेलेबल रहते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, अकेले जाके मेरे लिए पॉसिबल होता नहीं है। एनीवेज चलो मैं जाती हूँ अभी किचन में और बनाती हूँ लंच और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं माइक से मिला दूँ आप लोगों को। हेलो हेलो, बच्चा तबीयत मेरा खराब है, क्या है, जुकाम है? हाँ बुखार भी है, दौरा दौरा मेला बच्चा मेला। बेबी का तबीयत खराब है, तबीयत बिगड़ गया है, अभी वो बैठ के यहाँ पे देख रहा है कार्टून अपना। चलो तुम अपना कार्टून एंजॉय करो, मैं चलती हूँ लंच बनाने। हेलो बाय, लंच बनाने चलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ लंच बनाने, चिकन आ गया है और चिकन धो के साफ़ कर लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ थोड़ी सी नमक, इसको मैरिनेट करूँगी मैं। नमक 2 छोटे चम्मच नमक मैं ऐड कर रही हूँ ताकि इसका जितना पानी है ना सारा निकल जाए। इसके साथ ऐड कर रही हूँ दही, दही मैं लेके ही आई थी, मेरे पास नहीं थी। और इसके साथ मैं ऐड किया थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके साथ ही मैंने ऐड किया थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला। और ये सारे सब चीज़ एक साथ करके मैं इसको मैरिनेट करके छोड़ दूंगी। 10-15 मिनट छोड़ दीजिएगा, आप पूरा रात भी छोड़ सकते हैं, तब तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा चिकन। तो मैंने बस 15 मिनट छोड़ा था। और उसके बाद मैंने मीनवाइल यहाँ पे कढ़ाई ले ली हूँ और कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल। सरसों का तेल ऐड किया, थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना है क्योंकि चिकन बना रही हूँ यहाँ पे मैं। और इसके साथ एक बे लीव्स मतलब तेज पत्ता, एक सिनेमन स्टिक, दालचीनी और उसके साथ छोटे छोटे चॉप किया हुआ प्याज मैंने चॉप किया कर लिया। यहाँ पे 3 प्याज मीडियम साइज़ के मैंने चॉप कर लिया था और इसको अच्छे से पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ढक्कन लगा के मैंने थोड़ा सा पका लिया इसको, प्याज भी सॉफ्ट हो गया है और मीडियम टू स्लो फ्लेम में मैं पका रही हूँ ताकि प्याज जल ना जाए। तो बस इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड 2 टमाटर,
मैंने क्रशर में ही चॉप कर लिया। ये ना थोड़ा सा कन्वीनियंट रह जाता है मेरे लिए, थोड़ा जल्दी भी हो जाती है। तो बस इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ नमक, थोड़ी बहुत नमक पहले ही ऐड किया हुआ था इसलिए थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया यहाँ पे, ताकि स्वाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस थोड़ा थोड़ा नमक मैंने ऐड किया है यहाँ पर। और नमक ऐड करने के साथ साथ क्या होता है ना कि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है जल्दी, और प्याज का जो कुकिंग है ना वो थोड़ी रुक जाती है कुकिंग प्रोसेस। इससे क्या होता है प्याज थोड़ी जलती नहीं है। तो ढक्कन लगा के 10-1 मिनट मैं पका लूँगी इसको। तो आफ्टर 10 मिनट्स देखिए प्याज टमाटर दोनों ही सॉफ्ट हो चुके हैं नमक डालने की वजह से। और इसको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। और मिक्स देने के बाद में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फिर से जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद ना इसको अच्छे से भूनना होता है, था क्योंकि इसका जो कच्चेपन का स्मेल होती है ना वो जब तक निकल ना जाए वो तब तक आप इसको भून लीजिए अच्छे से प्याज टमाटर के साथ। अब ये भून चुका है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, साथ में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी 1.5 छोटा चम्मच। उसके साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे धनिया का पाउडर। थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, इससे क्या होता है ना फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ भूना मसाला, ये बहुत सारे मसाले लेके भून के मैंने बनाया चिकन मसाला। और ये मसालों का जो रेसिपी है ना मैं पहले दे चुकी हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से दे दूँगी। और थोड़ी सी चिकन मसाला मैंने ऐड किया, और उसके साथ चाय की पानी, मतलब चाय बोल सकते हैं आप, मैंने ऐड किया लिकर टी। और बस चिकन को अब मुझे पकाना है। एक्चुअली इस तरह से कभी चिकन पका के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से देखिए ये कोरमा रिलीज़ कर चुका है, 15-1 मिनट ढक्कन लगा के मैंने पका लिया था। इसका सारा ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो इस स्टेज में मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी आलू, मतलब पोटैटो मैंने कट करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया। और बस पोटैटो ऐड करने के बाद थोड़ी सी मिक्स करना है इसको, बस और कुछ नहीं करना है। और इसके साथ जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो मैं ऐड ऑन कर दूंगी इसमें। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इस तरह से कभी बना के देखिए, आपको बहुत स्वाद लगेगा, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा बना था संडे को। बाकी जो भुना मसाला था वो मैंने ऐड किया, बाकी जो चिकन मसाला था वो भी मैंने ऐड किया, रिंस करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और क्योंकि मैरिनेशन उसमें बर्तन में थोड़ा सा था तो बॉल में, तो उसको पानी डाल के रिंस करके मैंने ऐड कर दिया। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और बस और कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा इसको मिक्स दे दीजिए और ढक्कन लगा के चिकन सॉफ्ट होने तक पका लीजिए। तो लुक एट दिस, ऊपर से इसका सारा ऑयल सेपरेट हो गया है, आप देख ही सक रहे हो। और चिकन बहुत अच्छे से पक गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, स्प्लिटेड हरी मिर्च, क्योंकि अभी चिकन कुक्ड हो चुका है 80% के ऊपर ही कुक्ड हो गया है। इसको फिनिश करूँगी कोरिएंडर लीव्स के साथ, और इसको बस और कुछ नहीं करना है, आपको गैस का फ्लेम को ऑफ करना है। और हाँ, 10 मिनट आपको रेस्ट जरूर इसको कराना है, उसके बाद आप इसका मतलब लुक देखिएगा। ऊपर से मैं आपको दिखाऊँगी 10 मिनट रेस्ट कराने के बाद। फिलहाल चिकन मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, डन हो गया है, फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ। अब ढक्कन लगा के 10 मिनट इसको छोड़ दिया मैंने ऐसे। आफ्टर 10 मिनट्स लुक एट दिस, ये बहुत टेस्टी बनता है जी। आप लोग इस तरह से बना के कभी देखिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जी आपने क्या चिकन बनाया था घर में, सबका फेवरेट हो गया है, सबको पसंद आया था। तो चलिए अब मैं फटाफट से लंच सर्व कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है, 2 के करीब हो रहा है इसीलिए। तो बस ये था आज हम लोगों का लंच। तो बस इसके साथ मैं आ गई हूँ ब्लॉग का एंड में। ब्लॉग पसंद आए तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज़ टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विद पौरोमा। बाय द वे मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, पौरोमा कुर्मी, और पौरोमाज रेसिपी में भी फेसबुक में फॉलो कर सकते हो। और अगर इस तरह का रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय।